Hi, hello and good morning and uh, welcome everyone. I hope I am very clear and audible to you all. चलिए एक मिनट आप इंतजार करिए हम लोग वहां तक पहुंचने वाले हैं जहां तक हम लोगों को पढ़ना है कहा थे भाई स्लाइड नंबर वन फोर फोर आप लोग फटाफट से जो है अपनी अटेंडेंस वगैरह मार्क कर लीजिए एंड चले 11 स्टूडेंट्स आ चुके हैं आज संडे है सबसे तो पहले आप लोगों को संडे को भी पढ़ रहे हैं इस बात की बधाई और सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और हमको भी उनसे मिलने जाने का मौका मिले वैसे इस महीने में मौका बड़ा कम है फिर भी कोशिश होगी कि एक आध बार भेंट मुलाकात जरूर हो जाए भाई आप लोग तो शायद पूजा वूजा करते होंगे हम तो पूजा वूजा करते नहीं बस जाके भेंट वेंट आते हैं भेंट समझते हैं ना भेंट मुलाकात आप लोग जब जाइएगा भगवान शंकर से मिलने तो उनसे एक हमारा संदेश कहिएगा कि हम आएंगे ठीक है चलिए आप लोगों की अटेंडेंस लगभग लगभग लग, लग चुकी है और हम लगभग लगभग आप लोगों के साथ लाइव हैं आ, आपके कमेंट्स भी हमको दिखते रहेंगे फोर्टीन स्टूडेंट्स आ चुके हैं हम स्विच करते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ और हाँ अगर कोई क्वेश्चन हो कुछ कहना चाहते हो तब तक पहले कह दो टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते तब तक जो अभी नहीं आए हुए हैं वो भी आ जाए अगर कोई बात कहनी किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है तो वो भी कह लो भाई सभी को गुड मॉर्निंग है सब तो अपना बारी बारी से गुड मॉर्निंग वगैरह कर ले रहे हैं ठीक है अच्छा है तो चलिए अब कोई क्वेश्चन हो तो जरा जल्दी से बता दो नहीं है तब भी बता दो हम स्टार्ट करें टेक्स्ट लगभग लगभग 19 पहुंच चुके हैं तो हमें उम्मीद है कि 19 से 28 के बीच में हम लोग रहते हैं जब पढ़ते हैं तो अच्छा टेक्स्ट की तरफ मूव करें चलिए हम टेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट कहाँ है हमारा हाँ हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जो आदमी था आदमी का मतलब कौन सा आदमी जो एक फ्यूजिटिव सोल्जर था जिसका नाम अभी नहीं पता है उसकी और रैना की बातचीत चल रही है उस रसियन सोल्जर के जाने के बाद ठीक है और वो जो रसियन सोल्जर है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे कैवलरी चार्ज हुआ था एंड uh, जब वो इस बात को कहता है कि देट इज़ ही हैज सीन द कैलरी चार्ज देन रेना बिकम्स एक्साइटेड एंड आस थिंग्स इन एन एलेबरेट मैनर तो वो uh, चीज़ों को बहुत एलेबरेट मैनर में पूछने की कोशिश करती है देन मैन आस हिम यू नेवर्स आ कैलरी चार्ज डिड यू तब वो बताती है हाउ कुड आई मीन्स वो कैसे किसी कैवलरी चार्ज को देख सकती है यहाँ तक का जो क्स था हम लोगों ने कर लिया था अब यहां से आगे ठीक है अब मूव करते हैं हम लोग यहां से मैन सी एंटर बेड क्यू देखो यार इतना बिंदु देवी इतना अच्छा वाला स्पेलिंग लिखोगी ना तो हमको समझ में नहीं आएगा सर इतने दिन बाद क्यों अच्छा इतने दिन बाद क्यों हाँ ये सही सवाल है एक्चुअली इतने दिन बाद इसलिए कि दो दिन की क्लास अजीत सर की थी और हम दूसरे काम में बिजी थे इसलिए इतने दिन बाद ठीक तो मान करके चलिए वैसे भी हमको हफ्ते में तीन क्लास ही लेनी है अगर संडे को दो घंटे पढ़ा दिया तो हफ्ते की दो क्लास के बराबर हो गया और मान कर के चलिए आज की क्लास के बाद शायद एक क्लास अगर ढंग की ले ली ना तो एक्ट वन खत्म हो जाएगा कोई इतना तेज चल नहीं रहा है अभी ड्रामा वामा पढ़ाने में कि टेक्स्ट पढ़ा करके एक एक्ट एक खत्म कर ले ठीक है तो हम लोग पहला एक्ट लगभग खत्म करने पे हैं उसके बाद दो एक्ट और हैं उसको भी खत्म ही कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है हाँ इतना साहब उसकी पीपीटी नहीं बनी है तो उसकी पीपीटी बनानी है देखते हैं कैसे होगा क्या होगा आगे की बात को समझते हैं और हम लोग टेक्स्ट पर मूव करते हैं ठीक है पहला जो स्पीच है आज के लिए वो है मैन मैन मीन द फ्यूजिव सोल्जर आह कोर्स अच्छा हम चश्मा लगा लें क्योंकि ये स्क्रीन से हम बहुत परेशान हो गए नींद वीद नहीं आती है चलिए मैन ओह पर नॉट ऑफ कोर्स वेल इट्स अ फनी साइट इट्स लाइक स्लेंजिंग अ हैंडफुल ऑफ पीस अगेंस्ट अ विंडो पैन फर्स्ट वन कम्स देन टू और three close behind him and then all the rest in a lump ye jo line hai it is like slinging a handful of peas against a window pan mark karke rakhiyega aap se ये लाइन पूछी जा सकती है क्या करें भाई ठीक है सर पोएट्री कब पढ़ाएंगे पोएट्री कब पढ़ाएंगे तो यार सोचना पड़ो पोइट्री तो पंकज सर पढ़ाते हैं ठीक ना पोइट्री की क्लास तो पंकज सर की होती है ना अब हमें लगता है कि या तो विश्वविद्यालय के दूसरे बैच से हैं और नहीं तो किसी कॉलेज से हैं ठीक है जहाँ से भी हैं आपका स्वागत है अभी तो मान करके चलिए कि हमको दोनों ड्रामा पढ़ाना है दोनों ड्रामा के बाद फिर हम विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है ठीक है अगर पढ़ने वाले रहेंगे तो ड्रामा के बाद पोइट्री भी कंटिन्यू कर लिया जाएगा नावल भी कंटिन्यू कर लिया जाएगा अगर हम रेगुलरली यूट्यूब पर पढ़ाएँ तो आई थिंक हम पूरा सिलेबस पढ़ा सकते हैं आप लोगों को साल भर में सेशन ख़त्म होने तक आपको पूरा पढ़ा सकते हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे कब सिक्सटीनथ अगस्त के बाद नहीं सिक्सटीन नहीं एटीनथ अगस्त के बाद क्योंकि एटीनथ अगस्त को हमारा एक एग्ज़ाम है उसके बाद बाईस को हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे सेवेंटीन से बाईस तक कोई क्लास आपको नहीं मिलेगी ठीक ना मतलब हम एक घर जाएंगे घर से जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके आएंगे ठीक है तब तक कोई क्लास नहीं होनी है फिर उसके बाद हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे इस बात पर विचार करेंगे कि ड्रामा के अलावा भी हम कुछ पढ़ा सकते हैं क्या ठीक है तो अगर पढ़ा सकते हैं कुछ समझ में ऐसा आएगा और आप लोगों को जरूरत होगी तब हम लोग क्या कर सकते हैं पोएट्री ड्रामा नावल इन सब पर भी चर्चा कर सकते हैं तो जो क्लास हफ्ते में दो तीन दिन लेते हैं वो हम लोग क्लास को बढ़ा लेंगे और दोनों पेपर कवर कर लेंगे लेकिन इसका बुरा हमारे गुरुजी लोगों को लग जाए तो भाई हम नहीं जानते चलिए आगे देखिएगा वैसे ये बात तो सबको पता चलेगी सब सुन लेंगे कहा थे ओह oh, well, uh, पर नॉट ऑफ कोर्स वे फनी साइट एंड ही इज विद रैना रैना से एग्री हो रहा है अभी बुक नहीं मिल रही है ड्रामा का कोई बात नहीं आप जो है uh, वेबसाइट से गुटेनबर्ग की वेबसाइट पर जाइए या फिर आप गूगल पर लिखिए आर्म्स एंड द मैन टेक्स्ट आपको पहली वेबसाइट गुटेनबर्ग डॉट कॉम की मिलेगी प्रोजेक्ट गुटनबर्ग डॉट कॉम की वहाँ से आप इसका टेक्स्ट डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो आप हमको व्हाट्सएप करिएगा हम आपको टेक्स्ट इसका भेज देंगे ठीक है वैसे किताबें अवेलेबल हैं गोरखपुर में तो अवेलेबल हैं पाठक जी की दुकान पर मिल जाएंगी विद्यार्थी की जो है ठीक है लोगों ने खरीदी हैं आपको भी मिल सकती है बाहर कहीं का नहीं कह सकते नहीं तो ऑनलाइन तो खूब बढ़िया से टेक्स्ट अवेलेबल है अमेज़न पे जाइए वहां से ऑर्डर करिए डेढ़ सौ दो सौ रुपए में खूब अच्छे अच्छे टेक्स्ट अवेलेबल हैं ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है नहीं तो किसी ऑथेंटिक पब्लिकेशन का टेक्स्ट हो तो सबसे अच्छा है ठीक है चलिए हम थे कहाप्स नॉट परहेप्स नॉट मीन्स निश्चित रूप से शायद उसने नहीं देखा होगा वाई बिकॉज सी इज डिनाइंग दैट आफकोर्स वेल इट्स अ फनी साइट

तो uh, कह रहे हैं देखो बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल uh, आपको दे रहा है क्या कह रहा है कि इट्स लाइक स्लिंजिंग स्लिंजिंग का मतलब ऐसे उछाल देना इस आर अरेंज समथिंग स्पेशली विद्रैप आर स्ट्रैप्स सो दैट इट हैंग्स लूजली इन पर्टिकुलर पोजिशन मतलब किसी चीज को ऐसे ऊपर की तरफ उछाल देना अब यहाँ पर उछालने की बात किसकी कर रहा है A handful of peas against कभी आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आ, एक मुट्ठी भर कोई भी चीज पकड़िएगा जैसे लाइक मटर हो चना हो या कुछ नहीं तो आप एक काम करिएगा जैसे जो मोटी वाली रेत आती है या कुछ गिट्टी के टुकड़े ले, ले लीजिएगा हाथ में और ऐसे उछाल करके फेंकने की कोशिश करिएगा तो उसमें से आप देखेंगे ना कि सब सारे के सारे के टुकड़े एक साथ नहीं जाते कुछ एक या दो सबसे आगे होंगे फिर कुछ उसके बाद फिर ढेर सारे होंगे ठीक उसी चीज से यहां कंपेयर कर रहा है उस कैबलरी चार्ज को कि यह कैसा था जैसे कि कोई विंडो पैन कोई एक खुली हुई खिड़की हो उस खिड़की पर कोई एक मुट्ठी भर ऐसे मटर फेंक दे पीस ठीक है मटर के दाने आ, कोई मुट्ठी भर किसी खिड़की पर उछाल दे तो उसमें क्या होता है उसमें होगा क्या कि फर्स्ट वन कम्स सबसे पहले एक मटर का दाना उस खिड़की से टकराता है उस खिड़की के बाहर जाता है उसके बाद पीछे से दो या तीन आते हैं और दो या तीन के बाद फिर क्या होता है ढेर सारे सारे के सारे आ जाते हैं क्लियर बिहाइंड इन अ लंप लंप का मतलब झुंड में इकट्ठे में ठीक है ग्रुप में फिर सारे के सारे आ जाते हैं ठीक है दिस इज द वेरी डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कव चार्ज आगे कह रही हर आईज डिलाइटिंग एज सी रेजेज हर क्लैप्स हैंड एक्सटेटिकली जो बड़ी उत्सुकता में बड़ी उत्तेजना में अपने जो है बधे हुए हाथों को ऊपर उठाए हुए थी आ, उसकी आंखें जो थी वो रेजेज एंड एनलाइटन विद डिलाइट बहुत प्रसन्नता हो रही थी उसको सुनने में बड़ा मजा आ रहा था बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी बिकॉज दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हर फ्य सर्चियस यस फर्स्ट वन द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेब रैना कह रही है कि जो पहला आदमी था वो सबसे बहादुर था ना मीन्स सी वॉज इमेजिनिंग दैट द फर्स्ट वन वॉज सर्चियस एंड इट वॉज एक्चुअली रियलिटी दैट फर्स्ट पर्सन द लीडिंग पर्सन वॉज सर्जियस हिमसेल्फी तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि जो पहला आदमी था सबसे बहादुर था अभी इस बात को वो खारिज करेगा तो उसको बड़ा दुख होगा आगे देखते हैं मैन प्रोजेक्टली प्रोजेक्टली हम कई बार हम लोग इस वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्टली दैट वेरी डल नीरस किस्म का बहुत नीरस तरीके से हम बनाते हैं उसने कहा हाँ हुँ.

ठीक है चलिए हम बात करते हैं कि यू शुड सी द पुअर डेबिल पुअर डेबिल इज बींग यूज फॉर दैट पर्सन एंड दिस पुअर डेबिल इज अ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट फॉर द हॉर्स राइडर फॉर द सोल्जर फॉर सर्जियस ठीक है तो सर्जियस को यहां पुअर डेविल कह रहा है पुलिंग एट हिस्स हार्स वो अपने घोड़े को रोकने और संभालने की कोशिश कर रहा था उस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था क्यों आगे जरा देखिएगा रैना वॉय सॉरी पुल एट हिज हार्स क्यों उसको अपने घोड़े को खींचने की जरूरत पड़ेगी मैन इंप्रेसेंट ऑफ सो स्टपेड क्वेश्चन सो स्टपेड जो ये रैना का क्वेश्चन था ना इट वॉज वेरी स्टूपिट क्वेश्चन बहुत ही स्टूपिट क्वेश्चन था एंड ही बिकम्स अ लिटिल बिट इम्पेसेंट थोड़ा सा मतलब विचलित सा हुआ वो उसके ऐसे बचकाने क्वेश्चन को सुनकर के क्या कहता है इट्स रनिंग अवे विद हिम वो वहां से दूर भाग रहा था कौन घोड़ा अफकोर्स डू यू सपोज द फेलो वॉन्ट्स टू गेट देयर बिफोर द अदर्स एंड बी किल्ड तुम्हें क्या लगता है कि घोड़ा जो है वो आ, उसको अपने सारे साथियों से पहले वहां लेकर के जाएगा ताकि वो मारा जाए मतलब वहां पर जो घोड़ा है वो सर्जियस से ज्यादा बुद्धिमान निकला बिकॉज कि सर्जियस तो अकेले उस तरफ लीड करना चाहता है जाना चाहता है जिधर मौत खड़ी है बट जो हार्स है वो थोड़ा सा आ, हैप्पी मतलब थोड़ा सा ज्यादा समझदार है वो उधर से जाने से कतराना चाहता है बचना चाहता है नहीं जा रहा है बट सर्जियस घोड़े को जबरदस्ती ले जा रहा है ठीक है इट्स रनिंग अवे विद हिम ऑफ़ कोर्स डू यू सपोज द फीलो वांट्स टू गेट देयर बिफोर द अदर्स एंड बी किल्ड देन दे आल कम और उसी के बाद क्या हुआ दे आल कम वो सारे के सारे लोग आ गए यू कैन टेल द यंग वंस बाई दियर वाइल्डनेस एंड दियर स्लैशिंग यू कैन टेल द यंग वंस मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन रिकोगनाइज द यंग सोल्जर्स बाई दियर वाइल्डनेस एंड दियर स्लैशिंग आप जो यंग सोल्जर्स हैं उनको उनकी उत्तेजना उनके वार के लिए दीवानेपन और पागलपन के लिए पहचान सकते हैं और उनकी जो तलवार घुमाने का तरीका है उससे भी पहचान सकते हैं मीन्स यू कैन रिकोगनाइज द यंग सोल्जर्स विद दियर इंथुजिया जो उनके अंदर इंथुजियाज्म है उस इंथुजियाज्म की वजह से आप उन्हें पहचान सकते हैं अच्छा एक रिक्वेस्ट आपसे और करनी थी कि जैसे आप में से अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट इसको देख रहा है ठीक है यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं जहाँ क्लास असाइंड है देन वेल एंड गुड बहुत अच्छा है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं अगर कोई देख रहे हैं तो एक काम करिएगा और सारे स्टूडेंट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि कॉलेज में क्लासेस कैसी चल रही हैं मुझे नहीं पता अगर उन सबको इससे फ़ायदा मिले दिन बहुत अच्छा होगा ठीक है तो अगर आप जहां से भी हैं जिस भी कॉलेज से हैं जिस भी बैच से हैं जिस भी क्लास से हैं आप के साथ में और भी लोग होंगे तो उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करिएगा इस क्लास के साथ ठीक है अगर आ, ऐसी संख्या रही कॉलेज से भी स्टूडेंट्स जुड़े और यूनिवर्सिटी के तो हैं ही तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं फिर कोशिश हम करेंगे कि पूरा सिलेबस करा लें ठीक है ड्रामा ही नहीं पूरा सिलेबस हम कर लेते यानी कि दोनों पेपर पूरा करा दें प्रोज पोएट्री ड्रामा लेकिन ऑनलाइन मोड में ठीक है सारा का सारा आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए जब आप चाहें तब पढ़ लें और बेटर एंड एलेबरेट मैनर में टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन हम लोग समझ लें चलिए तो यहाँ पर जो है उसके पागलपन की चर्चा आगे होने वाली है तो क्या कह रहे हैं कि द ओल्ड वंस कम बंच अंडर द नंबर वन गार्ड अंडर द नंबर वन गार्ड मीन्स अंडर द लीडर जो लीडर है, है जो उनका मेजर है जो उनका कैप्टन है उसकी लीडरशिप में वो आते हैं जो ओल्ड वंस होते हैं जो बुजुर्ग सिपाही होते हैं बुजुर्ग सोल्जर्स होते हैं वो जो है साथ में आते हैं बल्क में आते हैं सबके एक साथ अकेले जाकर के मरने की कोशिश नहीं करते ठीक है दे नो दैट दे आर मेयर प्रोजेक्टाइल्स दैट एंड दैट इट इज नो यूज ट्राइंग टू फाइट अच्छा प्रोजेक्टाइल का जो एक्चुअल मतलब एक आ, आपने देखी होगी लॉन्चर जिसको कहते हैं रॉकेट लॉन्चर जैसा होता है दो सोल्जर एक साथ रख करके चलाते हैं मोटा सा ऐसा इतना मोटा पाइप होता है उसमें ऐसे इस, थोड़ा सा इतना बड़ा सा आ, केले के फूल जैसा उसमें रॉकेट निकला हुआ होता उस तो पर उसको उस रॉकेट को लगा करके और दो सिपाही ऐसे अपने कंधे पर टिका करके तब उसको फायर करते हैं तो उसको जो है एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल कहते हैं लेकिन यहां पर प्रोजेक्टाइल का मतलब वो नहीं है यहां पर प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि झोंक दिया जाना डाल दिया जाना आगे मतलब गोलियों को झेलने के लिए वहां पर डाला ठीक है तो वो केवल क्या है कि वहां सामना करने के लिए गोलियों का सामना करने के लिए गोलियों के सामने भेज दिए जाने के लिए होते हैं श्वेता शर्मा अच्छा श्वेता शर्मा प्रचंड आपको रोल नंबर आपको नहीं मिला पता नहीं है जो लिस्ट हमने डाली थी उसमें अगर नाम होगा तो आपका रोल नंबर भी रहा होगा ठीक है तो जो बूढ़े सिपाही हैं वो जो है अपने आप को प्रोजेक्टाइल्स की तरह मानते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल्स हैं और उनका मरना तय है वार में इसलिए वो सब एक साथ आते हैं ताकि खुद को बचा सके एंड दैट इज एंड दैट इज नो यूज ट्राइंग टू फाइट और इसलिए लड़ाई वड़ाई लड़ने का कौन कोई बहुत मतलब नहीं होता है आपको डायरेक्ट ये पता हो कि सामने से गोलियां चलेंगी और वहां पर जाना हो तलवार लेकर के गोलियों के सामने आपको तलवार से लड़ना हो तो इन दैट केस इट्स वेरी फनी थिंग इट्स वेरी आयरनिकल थिंग एंड इट्स वेरी फनी दैट कि आप गोलियों के सामने तलवार से लड़ने जा रहे हैं जब तक आप पहुंचेंगे तब तक आप गोली लग करके uh, आप गिर पड़ेंगे तो इन दैट कंडीशन वो आ, बात अलग है कि हिंदुस्तान के सिख हो तो जो है पंद्रह सिख पंद्रह सौ को हरा करके चले आए ठीक है जैसा कि उसमें हुआ था वो जो मूवी बनी थी ना याद होगी जिसमें तेरी मिट्टी वाला गाना है सर मेरा भी रोल नंबर नहीं पता है भाई शुभम यादव शुभम भाई शुभम जी आप तो किसी और सेक्शन के होंगे गर्ल्स सेक्शन के हो नहीं सकते इसलिए देखिए यहां पर अटेंडेंस तो हम उन्हीं की मार्क करते हैं जो इस सेक्शन के हैं बाकी तो आप किसी भी क्लास के हों किसी भी कॉलेज के हों किसी भी यूनिवर्सिटी के हों आप पढ़ने के लिए फ्री हैं ठीक है अटेंडेंस तो बस उन्हीं को मार्क करनी है जो यूनिवर्सिटी के हैं हमारे बैच के हैं ठीक ना चलिए आगे थे दूनस आर मोस्टली नीज जो ज्यादातर घाव लगते हैं जो ऊंस लगते हैं वो आ, कि उनके जो नीज हैं उनके जो घुटने हैं वो ब्रेक हो जाते हैं टूट जाते हैं कैसे टूटते हैं फ्रॉम द हार्सेस कैननिंग टूगेदर घोड़ों के कैननिंग का मतलब एक दूसरे से टकरा जाना घोड़ों का एक दूसरे से टकरा जाने के कारण उनके जो गुठने हैं वो टूट जाते हैं यही एक मेजर सबसे बड़ा जो है इसमें प्रॉब्लम का विषय होता है उनके लिए सबसे बड़ा जो ऊंड है सबसे ज्यादा ऊंड सबसे ज्यादा घाव जो लगता है वो यहां पर लगता है संजना यादव है ठीक है भाई संजना शायद आपका नाम तो लिखा है चलिए नहीं लिखा हम लिख देंगे चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट uh, देखिएगा अगला रेना ओफ बट आई डोंट बिलीव द फर्स्ट मैन इज कावर्ड आई बिलीव ही इज हीरो हमेशा गर्लफ्रेंड को यही लगता है ना कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा हीरो है या वाइफ को लगता है स्पेशली शादी से पहले यानी जो वुड बी वाइफ हो उसको ऐसा लगता है कि उसका जो होने वाला हस्बैंड है ना वो बहुत बड़ा तीरंदाज है हम्म वो माछी मारू पूछ उखाड़ू तोड़ू कच्चा सूता वो कहावत आपने सुनी होगी हमारे यहाँ की कहावत है तो उनको लगता है कि बहुत वीर मजबूता है मतलब बहुत ही ब्रेव पर्सनैलिटी है ऐसा लड़कियों को लगता है स्पेशली बिफोर मैरिज और मैरिज के बाद तो फिर वही uh, बिलना लेकर के उनको कूटती हैं तो उनकी सारी ब्रेवरी गायब हो जाती है वो अलग बात है ठीक है लेकिन शादी से पहले उनको लगता है कि उनका जो हस्बैंड होने वाला है वे इज वेरी ब्रेव एंड रेना इज नो एक्सेप्शन ऑफ दैट रेना उसका एक्सेप्शन नहीं है ठीक है ऐसा uh, वो भी खुद फील कर रही है और यहाँ पर तो भाई उसका Uh, जो होने वाला हस्बैंड है वो आर्मी का सोल्जर है, एंड uh, जो वार जीता गया है उसी की वजह से जीता गया दिस अनदर प्राउड मोमेंट तो वो कह रहे कि मुझे तो नहीं लगता कि जो फर्स्ट मैन था वो कावर्ड था ओह बट आई डोंट बिलीव द फर्स्ट मैन इज अ कावर्ड आई बिलीव ही इज अ हीरो और मेरा विश्वास है कि वो हीरो है बेटा हीरो इसलिए है कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है बाकी दो तो पगले था चलिए आगे बात करते हैं हाँ मान लिया मान लिया मैडम मान लिया कि आप इसी यूनिवर्सिटी से आप शुभम था नाम तो हम कैसे ही जानते ठीक है नाम पहले लिखती तो हम समझ जाते मैन गुड ह्यूमर्डली गुड ह्यूमर्डली मीन्स थोड़ा सा हंसते और मुस्कुराते हुए मन में प्रसन्न होते हुए जैसे मन में दो लड्डू फूटा तो मन में लड्डू फोड़ते हुए उसने जो है कहा क्या That's what you had, have said. If you had had said. If seen the first man in charge today agar अगर तुमने उस आदमी को आज charge था जो cavalry charge था जो attack था उसमें अगर आपने उस पर्सन को देखा होता सालू जी बड़ा मजा आ रहा है खूब हंस रहे हैं बढ़िया है एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए ठीक है थेके? तो कह रहे दैट्स you यू हैड said. अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे तो यहां पर आपको एक ग्रामर का जो यूज है शायद हैव और हैड दोनों का एक साथ यूज हुआ है अगर ऐसा यूज आपने पहले नहीं देखा था तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हैव और हैड का दोनों का यूज एक साथ हो सकता है ठीक है जब इस तरह का यूज होता है एक्चुअली जो वर्ब है का मतलब होता है पोजिशन ठीक है जैसे हम कहें आई हैव दिस पेन तो मेरे पास ये पेन है इसकी पोजिशन के लिए हम हैव का यूज करते हैं दूसरा हैव का यूज होता है किसी परफेक्टेंस uh, में परफेक्ट परफेक्टेंस में और पास्ट परफेक्टेंस में उस परफेक्शन को बताने के लिए एज हेल्पिंग वर्ब तो जब uh, कभी हम लोग को ऐसा कहना हो किसी परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में पोजीशन बताना हो इन दैट कंडीशन जो है ऐसा हो सकता वैसे ये यू वुड हैड है यू हैड हैड नहीं है सॉरी ये यू वुड हैड है कि इफ यू हैव सेड आप ऐसा कह रही होती इफ यू हैड सीन द फर्स्ट मैन इन द चार्ज टुडे अगर आपने उस फर्स्ट मैन को आज सांप नहीं दिखता है ये क्या भाई थोड़ा सा समझ नहीं आया हमको ये क्या बिंदु देवी सर साफ नहीं दिख रहा है साफ नहीं दिख रहा है ठीक थोड़ा सा ये वाली अंग्रेजी पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता हमारे लिए ठीक है साफ नहीं दिख रहा है तो इसके लिए भैया दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपका नेट स्लो हो और ऑटोमेटिकली यूट्यूब ने वीडियो को जो है वन एट टीपी सॉरी उसको कर दिया हो किसपे सपोजली वन फोर फोर पी पर कर दिया हो ऐसा हो सकता है एक मिनट का आप हमें समय देंगे जरा सा हम एक कोई कॉल आ रही है आज एक अनोन कॉल आ सकती है उसके लिए हमको जरा सा कॉल हम रिसीव कर लेंगे देख लेंगे है कौन एग्जैक्टली ठीक है जस्ट एक मिनट सॉरी फॉर इंटरप्शन हाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छा किसी ने लिखा था कि साफ नहीं दिख रहा है देखिए, अगर आपका डेटा स्लो होगा तो आपका जो वीडियो क्वालिटी है 144p पी पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा ठीक है तो उस कंडीशन में आप अपना डेटा स्पीड चेक कर लीजिए और थोड़ा सा और डिटेल में सर एक बार और हैड और हैब वाला बता दीजिए ठीक है बता देंगे सर रोल नंबर सीट भेज दीजिएगा अच्छा तो जो आ, हम बता रहे जो ऐसा मतलब साफ ना दिखने वाला प्रॉब्लम है वो इसीलिए हो सकता है डेटा स्पीड की वजह से वो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो जो है आपको सही एटलीस्ट थ्री सिक्सटी पी पर आप देखेंगे तो आपको सही दिखेगा ठीक ना थ्री सिक्सटी पी पर ठीक ठाक क्वालिटी दिखती है ठीक और हाँ तो कोई कह रहा कि है भाई हेड हेड वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए देखिए जब आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ पर सपोज डेट मान लीजिए एक ऐसा सेंटेंस uh, हो कि मैं एक पेन रख चुका हूं ठीक है ये रखने का सेंस पोजीशन का है प्रोसेस का है तो इसको जब आप सेंटेंस में बदलेंगे तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा आई हैव पेन ठीक है तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी मिलते हैं हैव हैड का साथ में यूज हो सकता है ठीक चलिए हम लोग वापस से इसी टेक्स्ट पर आ जाते हैं कि वो कह रहा था कि अगर आपने उसे देखा होता तो ऐसा कहती प्रेरणा breathless means Rena becomes uh, very breathless very excited ah I know it tell me tell me about about him or but I use tell me more please man he did it like an operatic tenor operatic that is of opera operatic ओपरा जानते हैं ना एक टाइप का जैसे हम लोग नोटंकी देखने जाते हैं हम लोग अदर तरीके का हमारे यहाँ चीजें होती हैं तो उसी तरीके के इनके जो इंग्लैंड में है ओपरा होता है ठीक है ओपरेटिक टेनर मींस लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ ओपरा जैसे ओपरा में किसी कैरेक्टर्स करते हैं इसको सिंपली आप यूं समझ सकते हैं कि फिल्मी अंदाज में ठीक है ही डिड इट लाइक एन ऑपरेटिक मैनर मीन्स ही परफॉर्मड इट ही डिड इट इन अ वेरी फिल्मी मैनर जैसे फिल्म में चीजें दिखाई जाती हैं कि जो हीरो होता है वो एक लात मारता है तो बड़ी सी गाड़ी उड़ करके ऊपर चली जाती है ठीक है या फिर जो रजनीकांत साहब हैं वो उनके ऊपर गोली चलाई जाती है और रजनीकांत साहब उसको जैसे उनके पास गोली पहुंचती है उसको ऐसे रोक देते हैं रोक करके उसको वापस कर देते हैं और गोली उसी को लग जाती है जो गोली चलाया होता है तो ये फिल्मी अंदाज है तो कह रहा है इन एन ऑपरेटिव मैनर थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में क्या हुआ था अ रेगुलर हैंडसम फेलो कैसा दिखता था वो बता रहा है अ रेगुलर हैंडसम मींस सामान्य सा ठीक ठाक हैंडसम नौजवान आदमी था विद फ्लैशिंग आईज बहुत ही चमकदार आंखें थी एंड लवली मुस्टैच और उसकी मूछे जो थी वो बहुत ही लवली और बहुत अच्छी थी ड्रामा तो चलेगा एटलीस्ट पंद्रह पंद्रह दिन तो एक एक एक्ट एक एक में लगेंगी अब ये समझिए कि एक क्लास और बची है पहला एक्ट खत्म होने में काउंट कर लीजिए कितनी क्लासेस हाँ आठ क्लासेस हुई नौ क्लासेस में मान के चलिए एक एक्ट एक खत्म हुआ है तो 9 9 18 18 क्लासेस और होंगी कम से कम मान के चलिए 20 क्लासेस जिसमें ये ड्रामा खत्म हुआ 20 या 21 क्लासेस हो गए क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने में एक दो क्लासेस बढ़ जाएंगे ठीक है तो कह रहा है ही डिड इट लाइक एन ऑपरेटिक मैनर और रेगुलर हैंडसम फेलो मतलब सामान्य सा दिखने वाला हैंडसम नौजवान था सुंदर था ठीक है विद फ्लैशिंग आइज चमकदार आंखें थी एंड लवली मुस्टैच और एकदम बढ़िया वाली मूछे थी मूछे हो तो नत्थुलाल जैसी वो वर्णा ना हो तो नत्थुलाल जी जैसी मूछे थी लवली मुस्टैच साउटिंग अ वाराई एंड चार्जिंग लाइक टॉन क्योर्ट एड द विंडमिल्स आपको अजीत सर ने जब नावल पढ़ाई होगी तो वहां एक नावेल और एक नावलिस्ट की चर्चा की होगी वो बताते रहे होंगे एक डॉन क्योटे और एक नाम आपको बताया होगा मगल दर्वान मगल दर्वान्टिस ठीक है ये जो है फोर फादर ऑफ नावल माने जाते हैं ठीक है इन्हीं से इंग्लिश नावल का डेवलपमेंट माना जाता है इनकी एक पहली नावल थी डॉन जिसका जो एक हीरो था हीरो का नाम था डॉन अ सोल्जर इन आर्मी एंड एक्चुअली नाइट और वो uh, जो है विंड मिल से लड़ाई लड़ा करता था जो विंड मिल जानते हैं ना बड़े बड़े पंखे वाले मिल होते हैं हवा से चलते हैं तो उससे लड़ाइया लड़ता था तो आप इन सब पे चर्चा एक दिन अलग से करेंगे कि क्वेश्चन कितना आता है कितना नहीं आता है वैसे आप शुरुआत से अगर क्लासेस देख लेंगे पहली क्लासेस से तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ठीक है वहां हमने सारा कुछ बताया हुआ है ठीक है तो uh, कह रहे हैं कि दैट uh, इज कैसा आदमी था बहुत हैंडसम था सुंदर था फ्लैशिंग uh, आईज थी लवली मुस्टैज थी एंड साउटिंग ऑफ वार क्राई साउटिंग ऑफ क्राई मीन्स जैसे आ, वार कराई किसी लड़ाई के समय वार के टाइम पर सोल्जर्स चिल्लाते हैं टू इंक्रीज एंथियाज्म एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए जिस तरह से सोल्जर्स साउट करते हैं क्राई करते हैं इन द सेम मैनर जो है वो भी चिल्ला रहा था ठीक है तो सेम मैनर में वो चिल्ला रहा था वार क्राइ चिल्ला रहा था एंड चार्जिंग लाइक डॉन की और जो उसका अटैक था द अटैक ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्जर वाज लाइक द अटैक ऑफ डॉन की उसका जो अटैक था वो डॉन की के अटैक जैसा अटैक था ठीक है तो डॉन की के अटैक जैसा उसका अटैक था डॉन कियाटे कौन था इनका परिचय हमने बताया कि दैट इज ही वाज अ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल एज वेल एज हीरो ऑफ द नॉवेल ऑफ टाइटल डॉन कियाटे रिटन बाय मुगल दी सर्वांटिस मुगल एक नॉवेलिस्ट थे जिनकी नॉवेल है डॉन कियाटे और उस नॉवेल का ये एक हीरो है जो कि एक नाइट था एक सोल्जर था हाँ नोट्स के लिए आपको बताना है बताते हैं आज बताते हैं या फिर कल एक अलग से आधे घंटे का सेशन हम लोग लेंगे आप लोग टाइम हमको बताइएगा ग्रुप में कि किस टाइम ले लें टाइम डिसाइड करके बताइए किसी भी टाइम आधे घंटे का सेशन होगा हम आपको बताएंगे नोट्स कैसे बनाना है ठीक तो है तो कह रहे हैं कि फ्लैशिंग आईज एंड लवली मोस्टैच साउटिंग एंड चार्जिंग लाइक डॉन की डॉन की कौन है बात समझ में आ गई ना नहीं समझ आई तो बताइएगा एट चार्जिंग एट द विंड से डॉन विंड मिल्स पर अटैक कर रहा था और हा एक बात याद रखिएगा डॉन रखिएगाटे को बेवकूफ माना जाता है और उसके उस चार्ज को भी बेवकूफी भरा चार्ज माना जाता है इन द सेम मैनर दिस अटैक ऑफ सर्जियस वॉज एक्चुअली अ टास्क एक फूलिस टास्क था बेवकूफी भरा काम था ठीक है आगे देखते हैं वी नियरली बस्ट विद लाफ्टर एट हिम बस्ट विद लाफ्टर हमें क्या हुआ उसके ऊपर हंसी आ गई नियरली बस्ट मींस हम लगभग एकदम से हंस चुके थे हमको बड़ी जोरों की हंसी आ गई थी किसके ऊपर उसके ऊपर कौन जो चार्ज कर रहा था जो सोल्जर था उसके ऊपर हमें बड़ी जोर की हंसी आ गई थी ठीक है तो उसने क्या किया बस्ट विद लाफ्टर एट हीम हमको उस पर जोर की हसी आने ही वाली थी नियरली बस्ट ठीक है पूरा पूरा हंसे नहीं थे बट वेन द सर्जेंट रैन अप एज वाइट एज सीट एक सोल्जर दौड़ता हुआ एक सर्जेंट हमारे पास आया और उसने और वो कैसा था एज वाइट एज सीट वो इतना सफेद हो चुका था डर के मारे जैसे कि कोई कागज की सीट कोई सफेद चीज ठीक है वो बिल्कुल एकदम सफेद हो चुका था कैसे किस वजह से एंड टोल्ड अस और उसने हम लोगों को बताया क्या बताया दैट दे हैड सेंट द रॉन्ग कार्ट्रीज कि जो हम लोगों को सप्लाई दी गई थी वो गलत एम्यूशन दे दिए गए थे is, बंदूक की गोलियां, जिसको आप कहते हैं, ठीक है? कि गलत बंदूक की गोलियां हम लोगों को दे दी गई थी एंड दैट वी कुडेंट फायर शॉट फॉर नेक्स्ट टेन मिनट्स, और अगले दस मिनट तक हम लोग एक भी शॉट नहीं कर सकते थे एक भी फायर नहीं कर सकते थे ठीक है लाफ्ट एट द other side of our mouths और जो हमारी हंसी थी ना वो मुंह के दूसरे तरफ ही रुक गई हम उस पर हंसने वाले थे लेकिन हमारे साइड से हमें ज्यादा दुखद न्यूज मिल गई दुखद न्यूज क्या थी एक सर्जेंट ने आकर के बताया कि उन्हें गलत गोली बारूद गलत अम्यूनिशन सप्लाई कर दिए गए हैं एंड दे कुर अंगल शॉट अंटिल टेन मिनट्स, अगले दस मिनट तक वो एक भी फायर शॉट नहीं कर पाएंगे ऐसा जो है उन्होंने उनको सूचना मिली इसलिए उनकी जो हंसी आने वाली थी वो दुख में बदल गई और असर क्या हुआ आई नेवर फेल्ट सो सिक इन माई लाइफ दो आई हैव बीन इन वन और टू वेरी टाइट प्लेसेस कह रहा है कि आई नेवर फेल्ट सो सिक इन माई लाइफ यहां पर सिक का जो मतलब है वो ये है बिंदु जी अभी क्लास के एंड में हम बात करते हैं आपसे ठीक ना क्योंकि बीच में इतना क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो बड़ा डिस्टरबेंस होगा हम क्या कर रहे हैं कि आई फेल्ट नेवर फेल्ट सो सिक देखिए सिक का यहां मतलब बीमार से नहीं है सिक का यहां पर मतलब हेल्पलेस से है दुखी से है परेशान से है डरा हुआ सा है ठीक है कि उस खुद को इतना हेल्पलेस इतना वीक नहीं फील कर पाया अच्छा चंदा यादव नाम है देखिए जो नाम हमको दिखेगा हम वही ना बताएंगे चलिए आई नेवर फेल्ट सो सिक इन माई लाइफ दो आई हैव बीन इन वन आर टू वेरी टाइट प्लेसेस दो यद्यपि हम इससे पहले भी एक या दो uh, इससे ज्यादा टाइट सिचुएशन में थे फिर भी हमने कभी भी खुद को ऐसा सिक फील नहीं किया एंड आई हैड एवर रिवॉल्वर का फ्रेज और हमारे पास रेवार्वल की भी गोली नहीं थी क्यों नहीं थी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पर बात लिखिएगा यहां से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनी कि आपसे पूछा जाए कि ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा जैसे इस बार हो गया है संयोग से तो यहां से जो है क्वेश्चन बन सकता है भाई उसके पास रेवार्वल की गोली क्यों नहीं थी एंड आई है हमारे पास नहीं थी इवन कार्टरेज और हमारे पास एक रिवार्वल की भी कार्ट्रेज नहीं थी रिवार्वल की भी गोलियां नहीं थी नथिंग बट चॉकलेट था क्या हमारे पास केवल और केवल चॉकलेट था ठीक है हमारे पास एक ही चीज थी वो थी चॉकलेट जो हम लेकर के आए थे ठीक ना जितने सब्जेक्ट से हट करके ड्रामा से हटकर के क्वेश्चन से उन पर हम अंत में डिस्कस करेंगे एक बात ध्यान रखिएगा चलिए नथिंग बट चॉकलेट केवल चॉकलेट था और हमारे पास कुछ नहीं था ना गोली ना बारूद ना बंदूक न कुछ वी हैड नो पॉइंट्स समझिएगा ये बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप पुरानी बंदूकें जो पुलिस वाले रखते थे या ऐसी फिल्में जिसमें अंग्रेजी सिपाही दिखाए गए हैं अंग्रेज सिपाही दिखाए गए हैं उनमें आपने देखा होगा बंदूक के ऊपर एक इतनी बड़ी सी लंबी सी चाकू जैसी लगी होती है ठीक है उसको कहते हैं, ठीक है एंड नो हमारे पास ऐसा कोई बॉइंट भी नहीं था क्या है कि अ ब्लेड दैट मे बी फिक्स टू द मजल ऑफ अ राइफल जो राइफल के सबसे ऊपर मजल पर एक ब्लेड लगाया जाता है उसको कहते हैं बॉइंट And used to stab an opponent in hand in hand fighting. ठीक है जब सोल्जर uh, के पास कोई मतलब दूर से है तब तो गोली चला सकता है लेकिन नजदीक कोई आ गया तो उस चाकू को भी उस ब्लेड को भी यूज uh, करके उससे फाइट कर सकता है तो और उनके पास क्या था कोई बॉइंट भी नहीं था नथिंग कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए ऑफकोर्स दे जस्ट कटस टू बिट्स और इसका असर यह हुआ कि उन्होंने हमको बहुत जल्दी से टुकड़ों में काट दिया कटस टू बिट्स ठीक है आगे कह रहे हैं कि ड्रम मेजर like और जो वहां पर डॉन क्याटे था मीन्स जो पुलिस सोल्जर्स को पुलिस समझ रहे थे एंड वॉज फ्लोरसिंग लाइक अ ड्रम मेजर ठीक है ड्रम मेजर उसको कहते हैं जो आर्मी में ड्रम बजाता है ठीक है जो एक आर्मी का ड्रम होता है उसको जो बजाने वाले होते हैं उनको ड्रम मेजर कहा जाता है ठीक है थिंकिंग ही डन द क्लेवरस थिंग एवर नोन वेयर एज ही ऑट टू बी कोर्ट मार्सल फॉर इट और वो जो डॉन कियाटे जैसा सोल्जर था जिसने वो कवलरी चार्ज कराया था प्लॉरसिंग लाइक अ ड्रम मेजर वो उस ड्रम वाले मेजर की तरह खुश हो रहा था जो ड्रम बजा करके खुश होता है क्यों खुश हो रहा था बिकॉज ही वॉज थिंकिंग वो ऐसा सोच रहा था ही हैड डन द्लेवरस्ट थिंग एवर नोन कि उसने सबसे आज तक की दुनिया की सबसे बुद्धिमानी और चालाकी भरा काम किया है ही हैड डन द क्लेवरेस्ट थिंग एवर नोन आज तक की जानी गई आज तक की की गई सबसे क्लेवर सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कामों में से उसने सबसे बेस्ट बन किया है ऐसा वो सोच करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था कौन साहब वेयर एज ही ऑट टू बी कोर्ट मार्शल वेयर एज जबकि ही ऑट टू बी ऑट टू का यूज आपको क्लास ट्वेल्थ में पढ़ाया गया होगा मॉडल ऑक्सिलरीज में ऑट टू का मतलब होता है चाहिए क्या होता है भाई चाहिए जहां पर किसी नेसेसिटी किसी श्योरिटी की बात की जाए कि ऐसा होना चाहिए किसी मॉरल uh, की बात की जाए अकॉर्डिंग टू लॉ की बात की जाए वहां आर्ट टू का यूज करते हैं तो ही आर्ट टू बी कोर्ट मार्शल फॉर इट तो उसका इसके लिए कोर्ट मार्शल कर दिया जाना चाहिए तो कोर्ट मार्शल क्या है भाई जरा इसको भी समझ लेते हैं कोर्ट मार्शल एक्चुअली द कानूनी प्रक्रिया है वो कोर्ट की कार्यवाही है जो किसी आर्मी सोल्जर के खिलाफ उसके आर्मी के द्वारा ही आर्मी की कोर्ट के द्वारा उस पर लगे आरोपों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए किया जाता है उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं ठीक है मतलब जो सेना की अपनी न्यायिक प्रक्रिया होती है उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं क्लास कब तक चलेगा अब 10 बजे तक तो चलेगा ही अब 10 बजे के बाद हमारे और आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है क्योंकि आज संडे है कोई लिमिट नहीं है हमारा अगला क्लास भी साढ़े ग्यारह से है कोर्ट मार्शल इट ऑफ ऑल द फूल्स एवर लेट लूज ऑन अ फील्ड ऑफ बैटल ऑफ ऑल द फूल्स

he and his regiment simply committed suicide actually mai unka jo task tha that task was like a suicide for himself as well as for his whole regiment ye regiment kya hai regiment is actually a group of soldiers jaise regiment hai company hai theek hai तो ये सारे groups हैं और सब में एक निश्चित संख्या होती है कितने सोल्जर्स होंगे तो उसको रेजिमेंट कहा जाएगा कितने सोल्जर्स होंगे तो उसको कंपनी uh, कहा जाएगा ठीक है तो उसको uh, अलग अलग डिवाइड करने के वर्ड्स हैं तो एंड हिज रेजिमेंट वो और उसकी जो रेजिमेंट थी उसके लिए दिस एक्शन सिंपली सुसाइड कमिट ठीक है तो ये सुसाइड uh, के जैसा था एक तरीके से द पिस्टल मिस्ड फायर बट उनकी किस्मत थी कि जो पिस्टल्स हैं मिस फायर हो गई उनको ठीक है पिस्टल्स थी मिस फायर हो गई और उनको जो है एक लाइफ मिल गई ठीक है? मतलब पिस्टल्स जो थी आर्मी की वो गोलियां जो थी नहीं चली गलत गोली सप्लाई कर दी गई थी नहीं चली तो वो बच गए अदरवाइज दिस वाज लाइक अ सुसाइड फॉर हिम

आइडियल्स पर एकदम स्टीड फास्ट है फास्ट का मतलब होता है दृढ़ ठीक है आपने जो यूपी बोर्ड से आए हैं वो पढ़े होंगे एक कौन सी थी भाई ट्रू ब्यूटी ट्रू ब्यूटी में ये वर्ड यूज हुआ था स्टीड फास्ट माइंड ठीक है आगे कह रहे हैं कह रही है कि इंडीड वुड यू नो हिम हिम क्या रियली really, अगर तुम उसको फिर से देखोगे तो पहचान लोगे मैन आई एवर फॉरगेट हिम क्या कभी मैं उसको भूल सकता हूं सी अगेन गोज टू देस्ट ऑफ ड्रो वो, वो रेना कहा गई अगेन गोज टू देस्ट ऑफ ड्रॉर्स तो वो फिर से चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स की तरफ गई जहां से उसने चॉकलेट क्रीम का डिब्बा लाया था ही वॉचेज हर विद अ वेग होप वेग जरा देखिएगा इसको वेगू नहीं पढ़िएगा ये एक्चुअली वेग है वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर अस्पष्ट ठीक है तो ही वाचेज हर वो उसको देखता रहा विद अ वेग होप एक वेरी अनक्लियर होप एक अस्पष्ट सी उम्मीद के साथ दैट सी मे हैव समथिंग एल्स फॉर हिम टू ईट कि शायद उसके पास खाने के लिए उसके लिए कुछ और चीज हो सी टाक्स दॉरी सी टेक्स द पोर्ट्रेट सी टेक्स द पोर्ट्रेट फ्रॉम इट्स स्टैंड एंड ब्रिंग्स इट टू हिम उसने जो उसका पोर्ट्रेट था किसका सर्जियस का उसको वहां से उठाया और उसके पास लेकर के आई रैना दैट इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द जेंटलमैन ये उस जेंटलमैन का पोर्ट्रेट द पैट्रियट एंड हीरो पैट्रिया देशभक्त द पर्सन हु लब्स हिज कंट्री एंड हीरो एंड हीरो ऑफ द वॉर टू हूम आई एम बिट्रॉथ टू हुम जिसके साथ मेरी इंगेजमेंट हुई है बिट्रॉथ दैट इज इंगेज जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है उसकी फोटो है ये ये वही आदमी है जो आज कैवलरी चार्ज को लीड कर रहा था मैन लुकिंग एट इट उस फोटो को देख करके बोला आई एम रियली वेरी सॉरी मुझे बहुत दुख है डेडी लुकिंग एट हर उसको देख करके बोला वॉज इट फेयर टू लीड मी ऑन क्या यह अच्छा था कि मुझसे अपने फिउनसे के विषय में इतनी बुरी बुरी बातें करवाना इतना कुछ कहने के लिए उकसाना ही लुक्स एट द पोर्ट्रेट अगेन वो पोर्ट्रेट पर फिर से देखता है यस दैट्स हिम ये वही आदमी है ध्यान से देखो नॉट डाउट ऑफ इट इसमें कोई संदेह नहीं मुझे यह एकदम वही आदमी ही स्टेफल से लाफ और उसको इस बात पर हंसी आ गई रैना क्विकली वाई डू यू लाफ तुम हंसते क्यों हो सेम फेस्डली बट स्टिल ग्रेटली टिकल्ड टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी होना जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुदगुदी कर दी गई हो और वह हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो वैसे कह रहा है सेम फेस्डली सेम फेस्डली मतलब उसने ऐसा कह दिया क्यों हंस रहे हो तो उसको शर्म आ गई वो जो है हंसी रोकने की कोशिश करने लगा बट स्टिल ग्रेटली टिकल्ड लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा जैसे उसको बहुत ज्यादा किसी ने गुदगुदी गुद कर दी हो उसको बहुत ज्यादा हंसी आ रही हो आई डेंट लाफ मैं हंसता कहा हूं मुझे हंसी नहीं आई मैंने नहीं हंसा आई Assure you मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मैं बिल्कुल नहीं हंसा एटलीस्ट आई डेंट मीन टू और सच में मुझे हंसने का कोई मतलब भी नहीं है मैं हंसना भी नहीं चाहता बट व्हेन आई थिंक ऑफ हिम चार्जिंग द विंड जब मैं उसको विंड को चार्ज करते हुए विंड पर अटैक करते हुए सोचता हूं ना एंड थिंकिंग ही वाज डूइंग द फाइनेस्ट थिंग और वो ये सोच रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है विद सप्रेस्ट लाफर कितना बोल करके उसकी जो आवाज है ना वो सप्रेस हो गई क्यों क्योंकि वो अपनी हंसी भी रोकने की कोशिश कर रहा था और हंसी रोकने के चक्कर में उसको जो है अपनी आ, बात भी रोकनी पड़ गई कह रहेनली स्टर्नली मीन्स धृष्टता से गिव मी बैक द पोर्ट्रेट सर पोर्ट्रेट मुझे दीजिए सर मैन विद सिंसियर रेमोर्स कोर्स सर्टेनली आई एम रियली वेरी सॉरी सी डेलिबरेटली किसेज इट एंड लुक्स हिम स्ट्रेट इन द फेस बिफोर रिटर्निंग टू द चेस्ट ऑफ ड्रॉस टू रिप्लेस इट ही फॉलोज हर Appolizing. with a sincere remorse. With a sincere remorse means एक बहुत ही sincere remorse मतलब आ, माफी मांगते हुए वो बोलता है of course, certainly. आई एम रियली वेरी सॉरी मुझे सच में वास्तव में बहुत दुख है इस बात पर कि आपको ये बात पूरी लग गई सी लेट सी डेलीबरेटली किस डेलीबरेटली मीनस जानबूझ करके किस इट इट मीन द पोर्ट्रेट आपको याद हो कि पीछे जब वो आ, उसकी मदर के जाने के बाद रोमांटिक हुई थी एट दैट टाइम सी वॉज नॉट किसिंग एट दैट टाइम सी वॉज नॉट किसिंग द पोर्ट्रेट सी हैज टुक द पोर्ट्रेट हाई लाइक अ प्रिस्टेस ठीक है वो उस आ, पोर्ट्रेट को ऊपर उठा करके रखी थी किसी एक पुजारिन की तरह बट यहां पर वो जानबूझ करके उस आ, पो, आ, पोर्ट्रेट को क्या कर रही है चूम रही है किस कर रही है एंड लुक्स हिम स्ट्रेट इन द फेस और उसको सीधे उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखी बिफोर रिटर्निंग टू द चेस्ट ऑफ टू रिप्लेस इट ठीक है वापस लौट करके उसको चेस्ट ऑफ ड्रॉल्स पर रखने से पहले उसने उस पोर्ट्रेट को चूमा और चूमने के बाद उस सोल्जर को बहुत ध्यान से ऐसे आंखों में आंखें डाल करके देखा और तब जो है जाकर के उसने उसको रिप्लेस कर दिया ही फॉलोज हर अप्लाइजिंग वो उसकी तरफ माफी मांगते हुए बढ़ा ठीक है आगे देखिएगा पर हो सकता है कि मैं गलत हूं यू you नो know, आपको पता है नो डाउट आई एम निश्चित रूप से मैं गलत हूं अब चापलूसी कर रहा है मोस्ट लाइकली ही हैड गॉट विंड ऑफ दैट कार्टरेज बिजनेस सम हाउ एंड न्यू इट वॉज अ सेफ जॉब ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से उसको इस बात की खबर लग गई हो यहां विंड का मतलब हवा नहीं है यहां पर विंड का मतलब मैसेज है कहीं से उसको यह बात पता चल गई हो कि जो कार्टरेज uh, हैं गलत सप्लाई हुए हो और उसको पता हो कि ऐसा करना सेफ है हो सकता है ऐसा हुआ हो रैना दैट इज टू से ही वॉज अ प्रटेंडर तुम्हारा मतलब है कि वो प्रटेंडर है प्रटेंड करता है चीजों को सो ऑफ करता है एंड अ कावर्ड और एक कावर्ड पर्सन है यू डिड नॉट डेयर से वॉट बिफोर दैट बिफोर तुमको ऐसा कहने में कहने की हिम्मत कैसे हुई ठीक ना तुम ऐसा कह कैसे पाए कह तुमको कहते समय डर नहीं लगा तुमको कहते समय शर्म नहीं लगी एक्चुअली किसी लड़की से ना उसके हस्बैंड की बुराई कर दो तो बड़ा उसको दुख होता है वो चाहे जितना करे ठीक है वो पकड़ के कूट दे अलग बात है लेकिन दूसरा कोई नहीं कर सकता अभी तो इसका हुआ भी नहीं है पूरा पूरा तो उसके पास ज्यादा इज्जत है ठीक है ना तो वो कुछ भी बुराई कर दे बट दूसरा नहीं कर सकता गलत बात होता है ठीक है यू डिड नॉट डेयर से दैट बिफोर मैन कॉमिक जेस्टर ऑफ डिस्पेयर वो मतलब दुख के एक कॉमिक uh, जेस्टर के साथ उसने बोला इट्स नो यूज डियर लेडी अब कोई मतलब नहीं है डियर लेडी आई कांट मेक यू सी इट फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको इस चीज को प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखा सकता हूं एज ही टर्स अवे टू गेट बैक टू दायरिंग बिगिन अगेन इन द डिस्टेंस तभी कुछ दूर पर फायरिंग बिगिन हुई फायरिंग हुई वो जैसे ही घूमा चेस्ट ऑफ डॉर्स की तरफ आ, जहां पर वो बैठा हुआ था तभी जो है दूर गली में फायर होने की आवाज आई क्या हुआ रहना? सीज हिम लिस्निंग टू द शॉट जैसे उसने फील किया कि वो गन शॉट की आवाज को सुन रहा है सो मच द बेटर फॉर यू ये ये गोलियां तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी हैं, मैन टर्निंग हाउ कैसे कैसे मेरे लिए ये गोलियां ज्यादा अच्छी हैं यू आर माई एनमी तुम हमारे दुश्मन हो एंड यू आर एट माई मर्सी और तुम यहां मेरी दया पर रुके हुए हो वॉट वुड आई डू इफ आई वर अ प्रोफेशनल सोल्जर अगर मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर होती तो मैं क्या करती जरा बताइए तो ठीक है ना सर पढ़ाइए पूरा समय यस सर सर मम्मी हंस रही है ट्रू ब्यूटी पढ़ा है अच्छा ठीक अब हंसने की बात है तो थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास देखिए लिटरेचर मतलब टेक्स्ट पढ़ना अपने आप में बोरिंग है पढ़ाना और फिर उसको बहुत सीरियस होकर के उसमें भी ऑनलाइन क्लास में तो हंसेंगे नहीं तो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे घंटे भर की डेढ़ घंटे की क्लास अगर करते हैं तो थोड़ा सा हंसी हंसी आनी चाहिए ठीक तो, है तो क्या करें यू आर माई एनमी एंड यू आर एट माई मर्सी वॉट वुड आई डू इफ आई वर अ प्रोफेशनल सोल्जर अगर मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर होती तो भाई साहब मैं क्या करती आपके साथ पकड़ के कूट देती ना? दो गोली तुम्हारे भेजे में तुम ऊपर ऐसा वो शायद कहना चाहती हो लेकिन हिंदी उसको नहीं आती थी वो नहीं कही अंग्रेजी में इतना अच्छा अच्छा बोल के रह गई मैन आह ट्रू डियर यंग लेडी इट्स वेरी ट्रू चापलू कर रहा है यू आर ऑल राइट यू आर ऑलवेज राइट आप हमेशा एकदम सही है परफेक्टली ऑल राइट आई नो हाउ गुड यू हैव बीन टू मी आप मेरे लिए कितनी दयालु रही हैं यहां गुड का मतलब अच्छा नहीं है थोड़ा सा काइंड समझिएगा ठीक है एंड आप मेरे लिए कितना काइंड रही हैं काइंड हार्टेड रही हैं टू माई लास्ट आर्स आई शैल रिमेंबर दोज थ्री चॉकलेट क्रीम्स और मैं वो तीन चॉकलेट क्रीम्स मैं याद रखूंगा जो मैंने लास्ट अपने लास्ट आर में खाए थे इट वॉज अनसोल्जरली वो अनसोल्जरली थे वो आ, मतलब एक सोल्जर जैसे क्वालिटीज के नहीं थे बट इट वॉज एंजेलिक लेकिन ये जो चीजें थी इट वॉज लाइक एन एंजेलिक मीन्स इट वॉज एन एक्शन ऑफ एंजल ये किसी देवदूत के कार्य से कम नहीं था चढ़ा दिया उसको झाड़ पे रहना कोल्डली बट भाई उसके हस्बैंड की बेजती हुई है ऐसे तो छोड़ेगी नहीं मान लो शादी के दस बीस साल बीते होते तब भी सोच लेती कुछ ठीक है ऐसा ही है तब तो कह देती है, हाँ है ही ऐसा लेकिन अभी तो हुई भी नहीं है होने के एटलीस्ट साल डेढ़ साल तक तो मैटर ऐसा ही रहता है कोई कुछ बोल दे तो बड़ा दुख हो जाता है आगे देखते हैं जरा देखिए कोल्डली थैंक यू एंड नाउ आई विल डू अ सोल्जरली थिंग अब मैं ऐसा काम करूंगा ना जो सोल्जरली थिंग होती है जैसा सोल्जर्स करते हैं यू कैन नॉट स्टे हियर आफ्टर वॉट यू हैव जस्ट सेड जो तुमने अभी अभी कहा है ना उसके बाद अब तुम यहां नहीं रुक सकते अबाउट माई फ्यूचर हस्बैंड मजे की बात तो ये है ना कि जिस फ्यूचर uh, हसबैंड के लिए वो जिस आदमी पे इतना झगड़ रही है एक्चुअली में वही उसका फ्यूचर हस्बैंड बनेगा वो फ्यूचर हसबैंड नहीं बन पाएगा वो तो लूका पे लाइन सेट करेगा हा यू कैन नॉट स्टे हियर आफ्टर दैट यू हैव जस्ट सेड अबाउट माई फ्यूचर हसबैंड बट आई विल गो आउट ऑन द बाल्कनी एंड सी वेदर इज सेफ फॉर यू टू क्लाइंब डाउन इन टू द स्ट्रीट लेकिन फिर भी मैं इतना खुद जाकर के चेक करूंगी कि आ, बाहर जाना अभी तुम्हारे लिए पाइप से नीचे सेफ है या नहीं स्ट्रीट में गली में सीट टर्न्स टू द विंडो वो खिड़की की तरफ पड़ती है मैन चेंजिंग काउंटरेंस अपने आ, जो उसके भाव हैं जेस्टर्स हैं उसको चेंज करते हुए डाउन दैट वाटर पाइप स्टॉप वेट आई कांट आई डर उस वाटर पाइप से नीचे उतरना प्लीज प्लीज रुक जाइए वेट आई कांट आई डरेंट मैं नहीं कर सकता मैं नहीं उतर सकता मेरे पास हिम्मत नहीं हो सकने की आई डियोरेंट द वेरी थाट ऑफ इट मेक्स मी गिरी इसका विचार आते ही मैं एकदम मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं मैं गिडी हो जाता हूं गिडी मींस डिजी मींस फीलिंग वेरी टेंडर फीलिंग वेरी वीक ऐसा सोचते ही मैं बड़ा जो है डर जाता हूं बड़ा कमजोर सा फील करने लगता हूं कांपने लगता हूं आई केम अप इट फास्ट एनफ विद डेथ बिहाइंड मी आई केम अप इट मैं उसके ऊपर कैसे आया फास्ट है ना बहुत तेजी से विद डेथ बिहाइंड तब मैं ऊपर आ गया जब मेरे पीछे मौत लगी हो आप बहुत थके हो आपके पास चलने की ताकत ना हो लेकिन आपको कुत्ता दौड़ा लेना खुदा कसम बहुत तेज दौड़ेंगे आप इतना तेज दौड़ेंगे कुत्ता भी पीछे रह जाएगा तो सेम वही चीज है कि उस समय उसको मरने का डर था और उस मरने के डर के मारे उसने पाइप चढ़ना उचित समझा और चढ़ करके पाइप पकड़ करके चढ़ गया बट अब तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए बट टू फेस इट नाउ इन कोल्ड ब्लड नॉट पॉसिबल अभी जब इतनी देर बैठ चुका हूं नींद आने लगी है इस स्थिति में अब पाइप से उतरना तो नहीं हो पाएगा He sinks ऑन द ऑटोमन वो वही ऑटोमन पर ऐसे सिर झुका करके बैठ गया इट्स नो यूज आई गिव अपटन गिव द अलार्म अब कोई मतलब नहीं प्लीज प्लीज कॉल दोल्जर्स इन अब मैं मरूंगा आई गिव अपर्पण करता हूं आई एम बीटन मैं हार चुका हूं प्लीज गिव द अलार्म कृपया आप उन सोल्जर्स को अलार्म देकर के बुलाइए ही ड्रॉप्स हिज हेड इन हिज हैंड्स इन द डीपेस्ट डिजेक्शन डिजेक्शन का मतलब होता है दुख बहुत ज्यादा गहरे दुख में विषाद में वो अपने सिर को ऐसे पकड़ के बैठ गया He put his head in his hands. ठीक है जैसे बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति दुख आ जाए तो आदमी खोपड़ी को हाथ में पकड़ करके बैठ जाता है इन द सेम मैनर वो भी पकड़ करके बैठ गया ठीक है चलिए रैना की स्पीच से हम लोग आ, आगे इसमें गली में कैसे क्या होता है यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये स्लाइड नंबर वन सेवन वन थर्टी ट्वेंटी फाइव पच्चीस तीस पैंतीस नहीं पचपन लगभग फिफ्टी फाइव स्लाइड्स और हैं लगभग दो घंटे की क्लास मान करके चलिए एक घंटे की क्लास हुई तो दो क्लास दो घंटे की क्लास हुई तो एक क्लास इतना ही जो है करना बाकी है ठीक है अब हम देख लेते हैं भाई कई लोग क्या क्या कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं उसका जवाब भी आपको दे देते हैं ठीक है जरा सा फटाफट से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कुछ एक बातें कह रहे थे कि अच्छा माई नेम इस चंदा यादव सर आपके इंग्लिश का सब क्लास यूट्यूब पे है देखिए सब क्लास का मतलब इस सेशन का हमने जो क्लास लिया है वो और ड्रामा का लिया हुआ है यानी कि आर्म्स एंड मैन का है और सिलेबस डिस्कशन का है तो वो अवेलेबल है इसी चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको आर्म्स एंड द मैन डी डी यू जी ओ मिल जाएगा वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है और भी अब कोई क्वेश्चन है आपके पास तो फटाफट से बोलते चलिए ताकि जो है हम आपका अटेंडेंस भी ले लेते हैं ठीक है और अब हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे आप जो भी पूछेंगे हम बता देंगे तो से पढ़ाते समय क्या होता है थोड़ा बहुत टेक्स्ट की हो तो की जा सकती है अदरवाइज डिस्टर्बेंस होता है जल्दी से पूछिए आपका कोई क्वेश्चन है अगर तो करके आपके कमेंट्स देख पाएंगे हाँ आपके कमेंट्स का हम वेट कर रहे हैं फटा फटाफट से आप करिए अच्छा सिलेबस वाली क्लास की मतलब वो नोट्स वाली क्लास की बात थी ठीक है नोट्स वाली क्लास का मैटर यूँ है कि आप एक टाइम डिसाइड कर लेना ग्रुप में डिस्कस करके देर आफ्टर हमको बता देना उस टाइम पर हम आपकी क्लास ले लेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी हाँ अब क्वेश्चन क्या आया सर अजीत सर कब पढ़ाते हैं कल आप पढ़ाएंगे नहीं कल हम पढ़ाएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है हम पढ़ाएंगे भी तो परसों पढ़ाएंगे यानी कि ट्यूसडे को पढ़ाएंगे कल जो क्लास होगी पंकज सर की क्लास होगी अजीत सर सामान्यता थर्सडे फ्राइडे पढ़ाते हैं ठीक है हमारा क्या है कि हम किसी भी दिन जनरली ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे क्लास नहीं क्या ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे तीन दिन क्लास ले लेते हैं और नौ बजे मॉर्निंग से लेकिन कभी कभी कोई और नौ बजे क्लास लेने लगता है तो नहीं लेते हैं ठीक है तो ये सिंपल मैटर है और कोई क्वेश्चन हो जरा सा फट से बोलिए अदरवाइज हम लोग क्लास को खत्म करेंगे इस क्लास को मतलब जानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सामान्यता ये तीन दिन है बाकी अन्य किसी दिन हो तो आप ग्रुप में जानकारी मिलती है ठीक है ग्रुप एक बार चेक कर लें अगर किसी अदर कॉलेज से हैं कहीं और से हैं यानी ग्रुप में नहीं है आप तब उस कंडीशन में आपको चैनल को सेजस्ट सब्सक्राइब रखना है नोटिफिकेशन ऑन रखना है और कोई भी क्लास है शेड्यूल होती है तो कम से कम 10 से 12 घंटे पहले ही शेड्यूल हो जाती है हम रात में ही शेड्यूल कर देते हैं तो आप मॉर्निंग में सो करके उठेंगे तो उस टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी का चलिए ठीक है हम सेशन को करते हैं यहीं पर क्लोज मिलेंगे नई पोएट्री में ऑथर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बायोग्राफिकल डिटेल उसका बर्थ डेथ उसके वर्क्स ठीक है जो जो वर्क्स उसने लिखे हैं ये सारी चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और बताइए वैसे जो पोएट्री पढ़ा रहे हैं पंकज तो सर तो पंकज सर बताए होंगे ना पेपर फर्स्ट के सर पढ़ाते हैं पेपर फर्स्ट पढ़ाते हैं पंकज सर बट वो यूट्यूब पर क्लासेस नहीं होती हैं वो जूम पर क्लासेस होती हैं वही अटेंड कर सकते हैं जो क्लास में एनरोल्ड हैं ठीक ना वो ऐसी क्लासेस हैं कि वो केवल वही वही अटेंड कर सकते हैं जूम पर जो क्लास में हैं बाकी वो पब्लिक मोड में नहीं क्लासेस होती हैं हमारी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं इसलिए कोई भी देख सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक सर सेकेंड पेपर सेकेंड पेपर जो है अभी अजीत सर पढ़ा रहे हैं कुछ चीजें जो पढ़ा रहे हैं जो बच्चे का देखा जाएगा हम पढ़ाएंगे पंकज सर पढ़ाएंगे मिलकर के मतलब जो भी है दोनों पेपर इस क्लास का तीनों लोगों की पढ़ाना है कुछ भी टॉपिक कोई पढ़ा दे तो अभी तो सब अपना अपना एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं ड्रामा पढ़ा रहे हैं सपंक सर पोइट्री पढ़ा रहे हैं अजीत सर जो है ऐसे और नावल पढ़ा रहे हैं तो उसमें से जो पढ़ा देंगे ठीक है जो बचा रहेगा हम लोग भी शेयर कर लेंगे बात खत्म हो जाएगी सर यू आर टीचर ऑफ डी डी यूनिवर्सिटी हाँ आई एम जे आर एफ आई एम जे आर एफ इन द डिपार्टमेंट जे आर एफ ठीक है चलिए सेशन को हम यही क्लोज करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सेशन ठीक है बाकी किस तरह की डिस्कशन की बातें अगर कोई है पर्सनल डिटेल्स आपको चाहिए मैं कौन हूँ कैसा हूं क्या हूँ कहाँ हूँ जब हम लोग सेशन करेंगे किसके लिए करेंगे हाँ सेशन हम लोग करेंगे जो आ, ये समझने के लिए कि नोट्स कैसे बनाना है जो आपको हमें बताना है आपने कई बार पूछा तो नोट्स वाला जो सेशन करेंगे उसमें जो भी सारे अदर क्वेश्चन होंगे टॉपिक से हट करके उसको डिस्कस कर लिया जाएगा अभी के लिए फिलहाल हम सेशन को करते हैं यहीं पर ब्रेक